और बलौदाबाजार जिला के कसडौल नगर में हर साल की भांति इस साल भी सामूहिक रूप से दुर्गा माता के प्रतिमाओं का विसर्जन समितियों द्वारा एक साथ किया गया। और इस बीच दुर्गा समितियों द्वारा तरह तरह की झांकियां डीजे बैंड के साथ माता दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जन दिया गया। और बता दें कि कसडौल नगर में दुर्गा विसर्जन पर दुर्गा समितियों को पुरस्कृत भी किया जाता है, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा सहित ढेरों संतावना पुरस्कार भी रखा जाता है, जिसके चलते हर संभव से अच्छे करने वाले दुर्गा समितियों के सदस्यों द्वारा कई तरह से मनमोहक झांकिया सहित नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। विसर्जन के दौरान कसडौल थाना प्रभारी रितेश मिश्रा की अगुवाई में उनके स्टाफ द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। भारत इस साल भी दुर्गा विसर्जन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें श्रद्धालुगण बढ़ चढ़ कर हिस्से लिए। सभी दुर्गा समिति के जितने भी सदस्य हैं सबको मैं बधाई दूंगी कि उनके माध्यम से बहुत अच्छा यहाँ झांकी के प्रस्तुत किए गए, चाहे बस्तर वाला देखा जाए तो, चाहे सुआ, ददरिया, राउत नाचा और विभिन्न झांकियों के यहाँ प्रस्तुति दी, और नगरवासी भी शांतिपूर्वक यहाँ बैठ के बहुत अच्छा झांकी का आनंद लिया गया। देखिए, बात करेंगे टोटल कुल कसडौल नगर में कितना दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन आज एक साथ हुआ। आज कसडौल नगर में 16 झांकियाँ, 16 दुर्गा माता की प्रतिमा है, वो आज विसर्जन हो रही है।